नमस्कार दोस्तों, 18 दिसंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की कुछ न्यूज़ की तरफ। पहली जो न्यूज़ आई आज यहाँ पे, वो आई है यहाँ पे स्टेड हॉग बग के बारे में। तो क्या है स्टेड हॉग बग, इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ देखो ये आई है कि जो स्टेड हॉग बग है ना, इसको लेके यूनियन होम मिनिस्ट्री है, उसने अलर्ट जारी किया है इंडिया में कि भाई ये जो एक तरह का मालवेयर है, इसका अटैक है वो हो सकता है एंड्रॉइडिंग किसके ऊपर, एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब वो फ़ोन जो एंड्रॉयड बेस्ड हैं उनके ऊपर स्टेड हॉग जो बग है या मालवेयर है, इसका अटैक होने की संभावना जताई है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने। तो एक अलर्ट जारी किया गया है। अब हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई जो ये स्टेड हॉग बग है ना, ये है क्या। देखो यह एक मालवेयर है, पहली चीज़ तो ये क्लियर रखनी है। वायरस अलग होता है, मालवेयर अलग होता है, इनमें थोड़ा बहुत वो डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्टेड हॉग मालवेयर के या स्टेड हॉग बग के बारे में। ये क्या करता है कि जो एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में यूज़ करते हैं ना, एंड्रॉयड फ़ोन में, सेम उसी की कॉपी है वो क्रिएट करके और उसके थ्रू डाटा है वो चोरी करता है। जैसे एग्जांपल मान लो कि हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, अब ये क्या करेगा, ये जो मालवेयर है ना जिसका नाम है यहाँ पे स्टेड हॉग, ये क्या करेगा, सेम व्हाट्सएप जैसा ये एप्लीकेशन डिज़ाइन करेगा, सेम नाम होगा, और फिर क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा अपने आप ही। मतलब हमारे फ़ोन में जो ओरिजिन ऑथेंटिक व्हाट्सएप है, इसको रिप्लेस कर देगा फर्जी व्हाट्सएप के थ्रू, और फिर इसमें सारा डाटा है वो लीक है वो हो जाएगा। तो इससे आपके फ़ोन के जो भी इन्फॉर्मेशन है, माइक्रोफोन है, हेडफोन की सारी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, आप जो भी बातचीत करते हो, टेक्स्ट वगैरह कर रहे हो, सारा डाटा चोरी है वो किया जा सकता है। तो मेनली फिशिंग वगैरह के लिए, इसके लिए इस टाइप का अटैक है वो किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से मालवेयर के अटैक होने की बात अभी की गई है। मैंने आपको बताया कि जो भी साइबर क्राइम हो, साइबर क्रिमिनल होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी आपका पर्सनल डाटा होता है, इंक्लूडिंग लोकेशन हुआ या फिर और भी आपकी जो लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह, बैंक की इन्फॉर्मेशन, वो आपके फ़ोन से फर्जी एप्लीकेशन क्रिएट करके चोरी कर सकते हैं। मतलब हमारे फ़ोन में सेम ही ओरिजिनल एप्लीकेशन की जगह फर्जी एप्लीकेशन है वो आ जाएगा और डाटा चोरी कर सकता है। तो इसी को लेकर भी गाइडलाइन है वो जारी की गई है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है प्रिविलेज मोशन के बारे में, यानी कि विशेषाधिकार के बारे में। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि भाई प्रिविलेज कमेटी है वो होती क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत है वो पड़ी थी। तो देखो थोड़ा हम बैकग्राउंड के साथ चलते हैं। हमारे संविधान में देखो कुछ चीज़ों की छूट दी गई है जो भी MP या MLA होते हैं उनको। कैसे, क्योंकि देखो अगर हम कोई भी ऐसी बात बोलते हैं जो कि थोड़ी कॉन्ट्रावर्सी वाली हो, तो हमारे ऊपर उस चीज़ को लेकर आप एक तरह से बोलते हो, केस वगैरह हो सकता है। मतलब आम सिविलियंस हैं, वो कोई भी किसी भी तरीके का अगेंस्ट हेट स्पीच वगैरह नहीं दे सकते। जैसे कि वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि वो देश के सोवरेनिटी वगैरह के अगेंस्ट कुछ ऐसा हो, तो उनके ऊपर कार्रवाई है, एक्शन है वो ली जा सकती है। बट जो MP और MLA होती हैं, इनको आपको पता है कि पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए डिस्कशन करनी होती है, काफ़ी सारी चर्चाएं हैं वो की जाती हैं, इसीलिए इनको कुछ छूट दी जाती है स्पेशल कि भाई आप अगर कुछ ऐसा बोलते हो जो कि थोड़ा अगेंस्ट भी हो, बट फिर भी आपके ऊपर, मतलब आपको छूट है वो इस चीज़ को ले दी जाएगी, आपके ऊपर कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इसी को लेके हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रिविलेज है वो प्रोवाइड करवाई थी। प्रिविलेज का मतलब कुछ विशेष अधिकार, यानी आपको कुछ स्पेशल राइट दिए थे। जैसे कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल है 105, इसके तहत दो स्पेशल राइट हैं, या आप बोल सकते हो कि स्पेशल प्रिविलेज हैं, वो दी गई हैं MP और MLA को। कौन सी, पहली तो ये कि वो पार्लियामेंट में अपना स्पीच हो दे सकते हैं, किसी भी टाइप का स्पीच हो पार्लियामेंट के पटल पे उनके द्वारा दिया जा सकता है, उसका कोई भी इश्यू है वो नहीं उठाया जाएगा। सेकेंड ये कि जो भी पार्लियामेंट की कार्रवाई होती है, इसका प्रकाशन है वो सीधे किया जाएगा, इसमें कोई भी लिपावोती नहीं, जैसे उन्होंने कोई अभद्र वर्ड भी यूज़ किया है तो सेम वो ऐसा का ऐसा वर्ड है वो यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके कुछ उनको प्रिविलेज दी गई हैं। ये देखो प्रिविलेज उनको इसलिए दी गई हैं ताकि जो भी कानून बने ना, उसको सही ढंग से बनाया जा सके, क्योंकि कहीं कई बार क्या होता है कि कुछ कॉन्ट्रावर्सी वगैरह के काफ़ी सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो अगर जो भी MP या MLA हैं पार्लियामेंट में सही ढंग से डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो एक अच्छा कानून नहीं बनेगा, ना ही तो विधानसभा में बन पाएगा, ना ही सेंट्रल लेवल पर। तो इसीलिए इनको कुछ प्रिविलेज हैं वो दी जाती हैं। अब भाई इनको प्रिविलेज तो दे दी गई, अब ये भी तो हो सकता है कि इनकी प्रिविलेज है, इनको मतलब विशेष अधिकार दिए गए हैं, बट कहीं ना कहीं इनका हनन हो रहा हो, या आप ये बोल सकते हो कि उनको सप्रेस किया जा रहा हो, उस कंडीशन में क्या होगा। इसके लिए देखो प्रिविलेज कमेटी वो बनाई गई है, विशेषाधिकार कमेटी। ये कमेटी क्या करती है, ये एक तरीके का जुडिशली काम करती है, मतलब न्याय की तरह काम करती है। इसका काम ये होता है कि अगर किसी भी MP या MLA का कोई भी प्रिविलेज है, उसका अगर वॉयलेशन हो रहा है, जैसे उसको भाषण देने से रोका जा रहा है, या फिर उसकी कोई कार्रवाई वगैरह को लेकर अगेंस्ट, मतलब गलत काम किया जा रहा है, उस कंडीशन में एक कमेटी है उसकी जांच करती है, और जो भी दोषी होता है उसको उचित सज़ा का प्रावधान है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। अब हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा दो चीज़ हैं। तो लोकसभा के अंदर देखो जो कमेटी होती है, वो उस कमेटी में टोटल होते हैं 15 मेंबर, मतलब लोकसभा की जो प्रिविलेज कमेटी होती है उसमें 15 मेंबर होते हैं,
और राज्यसभा की जो प्रिविलेज कमेटी होती है इसमें 10 मेंबर होते हैं, ये चीज़ आप थोड़ी क्लियर रखना। अब हम चलते हैं आगे। देखो प्रिविलेज मोशन का मतलब ये है कि अगर किसी भी एमपी के कोई भी राइट है, जैसे कि उन्होंने स्पीच देने को रोका गया है, तो वो इस चीज़ को लेके कोई भी पार्लियामेंट में कोई भी आप उसको एमपी, ऐसा नहीं कि जिसका हनन हुआ है जिसके अधिकार का वही खड़ा होगा, कोई भी और खड़ा होके इस चीज़ को लेके इश्यू उठा सकता है कि भाई आपने इसको बोलने का मौका क्यों नहीं दिया, मतलब आप इसके स्पीच को क्यों रोक रहे हो वगैरह इस तरीके के। अब देखो लोकसभा है तो आपको पता है ओब्वियसली, अगर हम बात करें तो लोकसभा के जो हेड कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं, तो स्पीकर है उसकी जिम्मेदारी होती है कि हाँ भाई ठीक है इस मामले के ऊपर फोकस है वो किया जाए। और अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा में कौन होता है, चेयरमैन होता है, तो राज्यसभा में तो चेयरमैन की जिम्मेदारी है प्रिविलेज मोशन को मतलब पेश करने के लिए, और लोकसभा में अगर हम बात करें तो स्पीकर की जिम्मेदारी है वो होती है। इंडिविजुअली भी ये राइट है वो सबको मिलता है, और हम बात करें तो जैसे कलेक्टिवली फॉर्म में भी सबको ये राइट है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। काम क्या होता है, अगर किसी की भी प्रिविलेज का ब्रीच होता है या हनन होता है उस कंडीशन में यह पनिश है वो या सज़ा है वो देने का काम है वो करती है ये कमेटी। अब देखो एक यूपीएससी पे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि जो प्रिविलेज मोशन यानी कि विशेषाधिकार जो मोशन है प्रस्ताव है इसके बारे में क्या संविधान में उल्लेखित है, या फिर जो लोकसभा की हम बात करें या राज्यसभा की जो भी मतलब रूल बुक है उसमें कहीं मेंशन किया गया क्या? तो जी हाँ बिल्कुल, लोकसभा की जो रूल है रूल नंबर 222 है उसमें चैप्टर 20 है वहाँ पे इस चीज़ के बारे में क्लियर मेंशन किया गया है कि विशेषाधिकार मोशन यानी कि विशेषाधिकार प्रस्ताव है वो पारित किया जा सकता है। इसी के साथ ही राज्यसभा में जो रूल नंबर 187 है चैप्टर 16 में वहाँ पे इस चीज़ के बारे में क्लियर मेंशन है वो किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि संविधान के अंदर जो भी हमारे रूल वगैरह बनाए गए हैं मेनली लोकसभा राज्यसभा के लिए उन रूल बुक में इस चीज़ के बारे में क्लियरली मेंशन है वो किया गया है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी एमपी और एमएलए होते हैं उनके लिए इस चीज़ की विशेषाधिकार की छूट है वो दी जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है डीएससी प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर। देखो डीएससी जो पुरस्कार है साउथ एशिया के साहित्य को लेकर 2019 का वो अभी जारी किया गया है। पहले मैं आपको इस पुरस्कार के बारे में कुछ फैक्ट बता दूं कि जो डीएससी प्राइज जो पुरस्कार है ये मेनली लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, और ओनली साउथ जो एशियन कंट्रीज़ हैं उन्हीं के ऊपर फोकस इसका रहता है। देखो साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, साउथ एशिया में ऊपर से स्टार्ट करते हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, तो ये कंट्रीज़ हैं जो कि इसमें आती हैं। अब इन कंट्रीज़ हैं इनके लेके जो भी लिटरेचर वगैरह है इसको लेके अवार्ड है वो दिया जाता है। देखो एक ग्रुप है जिसका नाम है डीएससी, उस ग्रुप के द्वारा इस अवार्ड को है वो दिया जाता है, और इनकी शुरुआत की गई थी 2010 में। मतलब डीएससी जो प्राइज है लिटरेचर के एरिया में साउथ एशिया में उसकी शुरुआत 2010 में की गई थी सुरीना नोरला और इसी के साथ ही मैनहट नोरला के द्वारा इसकी शुरुआत है वो की गई थी। अब बात आती है कि ये अवार्ड किस फील्ड के लिए दिया जाता है, कौन से मतलब अच्छे कार्यों के लिए। तो देखो ये जो अवार्ड है वो साउथ एशिया की जो संस्कृति यानी कल्चर है, जो पॉलिटिक्स है, जो हिस्ट्री है, या यहाँ के लोगों के बारे में, या फिर हम बात करें यहाँ की जो कास्ट सिस्टम है या फिर यहाँ की जो नेशनल सिस्टम है इसके बारे में अगर कोई भी राइटर है वो कोई बुक लिख रहा है, कोई भी लिटरेचर साहित्य लिख रहा है, तो उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। न्यूज़ अभी आई है कि रिसेंटली एक ऑथर है जिनका नाम है यहाँ पे अमिताभ बच्चन, इनको इस अवार्ड से सम्मानित है वो किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक नॉवल लिखा था साउथ एशिया के लिटरेचर पर जिसका नाम है हाफ द नाइट इज गॉन। तो यूपीएससी इसके बारे में भी पूछ सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो है एनईएफटी। एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देखो जब भी हम ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है नॉर्मली एनईएफटी होता है और एक होता है आरटीजीएस। जब भी हम नेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो इन दो मेथड की तरफ से पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। खैर वो अलग है, जो कि हम देखते हैं आईएमपीएस होता है वो एक अलग चीज़ है, बट अभी हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं एनईएफटी और आरटीजीएस पे। एनईएफटी है वो मेनली 5 लाख तक के अमाउंट के लिए यूज़ किया जाता है कि 5 लाख तक के अमाउंट ट्रांसफर करनी है तो एनईएफटी यूज़ किया जाता है, और 5 लाख से ऊपर की जो अमाउंट होती है उसके लिए आरटीजीएस है वो यूज़ किया जाता है। शायद देखो रूल चेंज हो भी कह सकते हैं, बट अभी तक ये रूल था जितना मेरे को भी ध्यान है। बट हमारा जो यहाँ फोकस मेन ज़्यादा इस आर्टिकल वो है एनईएफटी में। न्यूज़ ये आई है कि पहले जो एनईएफटी का सेटलमेंट होता था ना वो हर आधे घंटे में होता था, जैसे मान लो कि सुबह 7 बजे से एनईएफटी का सेटलमेंट होना शुरू हुआ, हमने 7 बजे पैसे ट्रांसफ़र करे तो वो शायद तो 7 बजे ट्रांसफ़र हो जाते तुरंत, या फिर 7:30 वाले स्लॉट में होते, यानी कि इसमें अलग अलग जो रूल वगैरह हैं वो यहाँ पे यूज किए जाते थे। तो
तो अभी क्या हुआ है कि इसका सिस्टम यह कर दिया गया है NEFT के लिए RBI के द्वारा कि भैया आप कभी भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब इसको 24x7 है वो कर दिया गया है। इससे पहले क्या रूल था, इससे पहले हर आधे घंटे में सेटलमेंट होता था। जैसे मान लो कि हमने पैसे 12 बजे ट्रांसफ़र किए किसी को NEFT के थ्रू, तो वो पैसे लगभग 12:30 बजे के आसपास जब सेटलमेंट होता RBI की तरफ से या RBI जब अप्रूवल देता तभी वो पैसे अब दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र है वो होते थे, अदरवाइज जब तक वो पैसे होल्ड में रहते थे। बट अब क्या कर दिया गया, आप चाहे तब ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई सैटरडे संडे कोई छुट्टी हॉलीडे कोई भी इशू नहीं है, जब आपकी मर्जी रात को 12, 1, 2 जब भी आप चाहो पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो एक तरीके से जो पैसे ट्रांसफ़र करने का सिस्टम था इसको यहाँ पे इम्प्रूव है वो किया गया है। तो ध्यान रखना NEFT है क्या, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि है जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है ना ये मेंटेन किया जाता है RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में, जिसके लिए एक इंस्टीट्यूट का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा इस NEFT सिस्टम को मेंटेन किया जाता है। क्या काम है इसका, पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, फंड ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। देखो अभी गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि जिस तरीके से हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में डिस्कस किया है अभी तक, उसी तरीके से प्रोजेक्ट डॉल्फिन है वो लॉन्च किया जाए। क्यों, क्योंकि देखो जो डॉल्फिन है इसकी संख्या भी भारत में लगातार तेज़ी से कम हो रही है, तो गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन है वो लाने की सोच रही है, यानी कि इसकी जो पॉपुलेशन है डॉल्फिन की उसको बढ़ाया जा सके इसके लिए इस प्रोजेक्ट पे फोकस किया जा रहा है। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन है इसमें जो डॉल्फिन है उसका स्टैंडर्ड क्या है, इनकी उसको प्रोटेक्शन किस तरीके से दी गई है, प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स की हम बात यहाँ पे करते हैं। तो देखो हमारे देश में जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972, इसमें जो शेड्यूल फर्स्ट है मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है वो दी गई है डॉल्फिन को लेकर। इसी के साथ ही साइट्स, साइट्स का मतलब है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसके अपेंडिक्स 1, यानी मतलब यहाँ भी साइट्स में भी सबसे ज़्यादा इसको प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करवाई गई है। फिर हम बात करें हैं माइग्रेटरी स्पीसीज को लेकर कन्वेंशन है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, इसमें अपेंडिक्स 2 में डॉल्फिन को रखा गया है। और अगर हम बात करें IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी जो रेड लिस्ट है इसमें डॉल्फिन को इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया गया है कि भाई काफ़ी ज़्यादा खतरा है इस चीज़ को लेके। तो आप तो एक तो ये ध्यान रखना कि IUCN में कौन सी लिस्ट में आती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में डॉल्फिन की रैंक कहाँ पे है, साइट्स में डॉल्फिन की रैंकिंग है वो कहाँ पे है, और CMS में रैंकिंग कहाँ पे है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देखो इंडिया में जो मैली डॉल्फिन पाई जाती है वो है एक तो गंगाटिक डॉल्फिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ का फैक्ट क्या है कि जो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन मतलब कि ये गंगा रिवर वाले हिस्से में पाई जाती है, अब गंगा जो ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है ओब्वियसली उस हिस्से में भी ये वो डॉल्फिन है वो पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये ध्यान रखना कि जो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है ना वो केवल फ्रेश वाटर में रहती है, मतलब सेल्टी वाटर में या जो नमकीन पानी होता है इसमें ये जीवित नहीं रहती, और ये अंधी होती है। ये जब भी मतलब जैसे कि पानी में तैरती है तो जो अल्ट्रासाउंड जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है इसकी हेल्प से ये मतलब आगे की दिशा है उसको कैसे है फोकस है वो करती है। इसका अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन एरिया इंडिया में तो आसाम में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल वाले हिस्से में पाई जाती है। इसका खतरा क्या है सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा खतरा तो एक ये है कि जो भी हमारे देश में इनलैंड वाटरवे हैं गंगा रिवर वाले वो सब काफ़ी गंदे होते जा रहे हैं, तो फ्रेश वाटर की कमी है तो इस वजह से इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। दूसरी इनकी पोचिंग वगैरह होती है, लोग इनको पालतू बनाने के लिए इनकी शिकार वगैरह करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में इनकी काफ़ी डिमांड होती है, इसीलिए भी इनका हैबिटेट है वो ख़त्म होता जा रहा है और ये भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जो मेल गंगटिक डॉल्फिन होती है इसकी लेंथ होती है 2.12 मीटर, फीमेल की लेंथ होती है 2.67 मीटर। तो ये देखो इतना सब इम्पोर्टेंट नहीं है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डॉल्फिन है गंगटिक डॉल्फिन है इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो डिक्लेयर किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया का नेशनल एक्वेटिक डॉल्फिन एनिमल कौन सा है, उसका नाम है गंगेटिक रिवर। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, अब हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रेंड हॉग बग के बारे में डिस्कस किया जो कि एक टाइप का एक मालवेयर है। इसके बाद हमने प्रिविलेज मोशन के बारे में जाना और प्रिविलेज जो कमेटी है इसके बारे में डिस्कस किया। साथ ही हमने यहाँ पे एक सेकेंड फिर हमने यहाँ पे देखा कि जो DSC प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर है ये है किसको दिया जा रहा है, साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी NEFT है उसके बारे में जाना कि RBI ने जो NEFT का टाइम था वो अभी 7 डेज कर दिया, 27 इंटू
तो 24x7 डेज, यानी कि आप कभी भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो बिना किसी देरी के। फिर हमने यहाँ पे जाना कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देखा। तो ये थी आज की डिस्कशन, फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू मिस फॉर डिस्कशन।